घर के अंदर जाने पर मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क चला जाता है। और आप इस नेटवर्क को कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। वीडियो को कहीं पे स्किप कर देते हैं तो आप इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे कि आप अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, जिससे आपका नेटवर्क हमेशा एक जगह में फिक्स रहे, आपका नेटवर्क हमेशा आता जाता ना रहे और आपको ऐसी दिक्कत ना हो। अपने मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे जिससे आपको एक बेहतर नेटवर्क मिल सके आपके स्मार्टफोन के अंदर। आप चाहे बाहर रहें या अंदर रहें, आपके मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने नेटवर्क मोड को एकदम फिक्स कर सकते हैं। आपका नेटवर्क आता जाता नहीं रहेगा, आपका नेटवर्क एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद करना चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री, आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेटवर्क फिक्स प्रॉब्लम, आपको यही कमेंट में लिखना है। अगर आपका नेटवर्क फिक्स हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसी को आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग के अंदर। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग को आपको इस तरह दिखाई देगा, आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे दिखेगा यहाँ पर अबाउट फ़ोन, आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक कर देना है। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आल स्पेस, आपको यहाँ पे आल स्पेस दिखाई देगा, आपको आल स्पेस पे क्लिक करना है। आल स्पेस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, आपको यहाँ पर दिखेगा इंटरनल स्टोरेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको तीन बार क्लिक कर देना है, तो चलिए तीन बार इसमें क्लिक कर देते हैं। तीन बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट नंबर पे टेस्टिंग, सेकंड नंबर दिखेगा फ़ोन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, सेकंड नंबर दिखेगा फ़ोन इन्फॉर्मेशन सेकंड, और आपको चौथे नंबर दिख जाएगा वाईफाई इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर जिस सिम में आपका इंटरनेट पैक होगा आपको इस सिम को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट सिम है, ये सेकंड सिम है, तो आपको फर्स्ट सिम पे क्लिक करना है। जिस सिम में आपका इंटरनेट होगा आपको उस सिम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने फिर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, आपको इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाना है आपको यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे ये दिखेगा यहाँ पे सेट परफेक्ट, आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। आपको यहाँ पे आपको दिखेगा सेट परफेक्ट नेटवर्क टाइप, आपको यहाँ पे इस तरह दिखेगा। फिर आपको उसके नीचे यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा LTE ओनली, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेटवर्क फिक्स हो जाएगा। ओनली LTE में आपका नेटवर्क आता जाता नहीं रहेगा, आपका ओनली नेटवर्क एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, सिर्फ 4G पे फिक्स रहेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन रात समय शुभ रहे, आपके पूरे परिवार का दिन रात शुभ हमेशा रहे।